मुख्यमंत्री आवास को घेरने निकले टेट पास पारा शिक्षकों को एसएसपी आवास के समीप प्रशासन ने रोक दिया। टेट पास पारा शिक्षक राजभवन से मुख्यमंत्री आवास को घेरने निकले थे, लेकिन उन्हें एसपी आवास के पास ही रोक दिया गया है। सभी पारा शिक्षक सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। पारा शिक्षकों के सड़क पर प्रदर्शन करने के कारण गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वेतनमान की मांग को लेकर पारा शिक्षक राजभवन के पास करीब 4 माह से धरने पर बैठे हैं। पारा शिक्षकों ने कई बार राजनीतिक दलों के कार्यालय का भी घेराव किया, लेकिन इनकी मांगों पर कोई सुध नहीं ली गई। मांगे पूरी नहीं होने पर पारा शिक्षक आज सीएम आवास घेरने निकले, लेकिन उन्हें एसपी आवास के पास ही रोक दिया गया। अपना मांगों को लेकर के सड़क पर सोए हैं। ये मांग हमारी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी। उनका चुनावी मैनिफेस्टो में भी था कि हमारी सरकार बनेगी। पारा शिक्षकों को 3 माह के अंदर में समान काम का समान वेतन, उनको वेतनमान देने का काम करेंगे। आज 4 वर्ष हो गए, लेकिन पारा शिक्षकों को अभी भी अपना उनका अधिकार नहीं मिला। आज अपना अधिकार लेने के लिए आज हम रांची की राजधानी के सड़कों पर बीवी बच्चे पारा शिक्षक बहनों के साथ में सोए हुए हैं। अब मेरे पास में कोई विकल्प नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि वो अपना चुनावी वादा को कब पूरा करते हैं। जब तक अब हमें वेतनमान का वादा नहीं मिलेगा, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। झारखंड राज्य का यह स्थिति है कि कलम चलाए वाले लोग शिक्षक आज रोड में जाम किए हैं, जो हमें अपने आप में भी बेकार लग रहा है। लेकिन हम शांति से जा रहे थे मुख्यमंत्री के आवास घेराव करने में, हमें रोक दिया गया, इसलिए हम रोड जाम किए। हम सरकार को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि कम से कम आप शिक्षक को पर्याप्त मात्रा में मानदेय दो, वेतनमान दो, कि हम तन मन धन स्वस्थ मानसिकता से पढ़ाएं। यदि हेमंत सरकार हम लोग को वेतनमान नहीं देती है, जिनको गाँव घर घूमना मुश्किल कर देंगे, जिस क्षेत्र में झारखंड के मंत्री और विधायक निकलेंगे उनको जीना हराम कर देंगे, और नहीं तो मेरा मांग माने। अभी कितना पैसा देता है? अभी हम लोग किसी को 17,000, किसी को 20,000, किसी को 22,000। अब एक ही स्कूल में जाति धर्म के तरह ये शिक्षकों में बांट रहे हैं, किसी को सरकारी गुरुजी, कोई पारा गुरुजी, कोई अभी आचार्य नियुक्ति गुरुजी कर रहे हैं। हम लोग समतुल मांग रहे, कम से कम 40,000 रुपए जो सरकारी को आप दे रहे हैं। ने क्या करवाया शिक्षक को? रोड में सुलवाया। भारत में शिक्षक का एक मर्यादा होता है, इस सरकार ने रोड में सुला दिया। बड़ी उम्मीद के साथ माटी की बेटा को वोट दिए थे, ये माटी का बेटा नालायक निकला कि हम लोग को वार्ता करने तक नहीं बुला रहा है। 4 साल कुमकदरी निंद्रा में सोया हुआ है। और क्या उपलब्धि गिनती गिनाएंगे? कोई उनके पास उपलब्धि है ही नहीं, जुमलाबाजी करने में आजकल विश्वास रखते हैं। हमको लगता है उताड़ी माड़ी पीना शुरू कर दिए हैं, उनको होशे नहीं रह गया है आजकल कुछ। एक शिक्षक को रोड में सुलाने का बोले थे, तीसरा कैबिनेट में वेतनमान देंगे, कहाँ चला गया उनका वादा? तो कल का कार्यक्रम आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अब हमारे शीर्ष नेतृत्व जो कहेंगे, कहेंगे कि मरना है तो मरेंगे, कहेंगे जो उनका शीर्ष नेतृत्व का आदेश आएगा वो, हम लोग बंदूक लेके तैयार है। शीर्ष नेतृत्व का आदेश चाहिए, हम लोग फायर कर देंगे। हमारी पुरानी एक ही मांग है हमारी, जो पुरानी है कि हमें वेतनमान दिया जाए। नाम का सहायक अध्यापक ना बना के रख दिया है सिर्फ कागज में। सरकार ने जो अपने कहा था कि हम लोग आपको मान सम्मान, सिर्फ नाम बदला है, वो भी कागज में कुछ नहीं बदला। आज 17-18 हजार में हम लोग घर कैसे चलाएंगे? आज आप अपना पेमेंट 12% बढ़ा के 1,36,000 रुपए कर रहे हैं, हम लोग घर कैसे चला 18,000 में? हमारा पेट लहर रहा है। आज हम फिर सड़क पे आए हैं आपके लिए कि आप आज हम लोग को कल 62,000 का घोषणा करिए, हम लोग से बाद में कि 12,000 को नियुक्ति पत्र देकर वेतनमान से सम्मानित करते, फूलों का माला पहना के यहाँ से जाएंगे, और आगामी चुनाव में आपका ही सीट यहाँ पर रहेगा झारखंड में। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो रघुवर सरकार के साथ हुआ था वो आपके साथ भी दोहराया जाएगा। सड़कों पे बैठ गए, यहाँ पे सड़क पे कहाँ बैठे? अपनी मांग को लेकर आज हम सड़क पे। उन्होंने ही कहा था कि पूर्व सरकार जो है आपको सड़क पे लाई, हम आपको सम्मान देकर विद्यालय में ले जाएंगे। क्या हुआ आज फिर हमें सड़क पे?
सरपंच में हमारे सीएम फंस चुके हैं, क्यों उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अधिकारियों से पूछा था कि हम आपको ये सब पूछ के यहाँ पे डालेंगे, कुछ नहीं। उस वक्त कहा था कि 3 महीना होते ही आप लोगों को नियमितीकरण करते हुए वेतन मान से नवाजेंगे, आज वो कहा है धरातल में नहीं है, इसलिए उनके 1 दिन पहले हम लोग यहाँ आए। कल वो घोषणा करे मंच से, आज हमसे वार्ता करे और मंच में घोषणा करे 62,000 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देते हुए वेतन मान की घोषणा करे। हम लोग माला के साथ जय जयकारा करते हुए यहाँ से राज्य से जाएंगे यहाँ पर।